हेलो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ सबकी पसंदीदा मैगी की रेसिपी। बच्चों के साथ साथ ये बड़ों को भी बहुत पसंद आती है। ये बनाने में बहुत ही आसान और झटपट से बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ अलग अंदाज में मैगी की रेसिपी। यहाँ पर मैंने एक चम्मच बटर लिया है, इसको हम मेल्ट कर लेंगे। जब ये पिघल जाए तो इसमें दो छोटे प्याज काट कर डाल दिए हैं मैंने। हमें इसे ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा ट्रांसपेरेंट ही रखना है। अब यहाँ पर मैंने दो छोटी गाजर काट के डाल दी हैं। इसमें आप अपने पसंद की कोई भी सब्जी डाल सकते हैं। इसे भी हम थोड़ा चलाते हुए भून लेंगे। अब यहाँ पर मैंने दो टमाटर काट कर डाल दिए हैं, इन्हें भी चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल लिया है। आप जितना भी नमक खाते हैं उसके अनुसार नमक डालें। यहाँ पर मैंने लगभग 50 ग्राम के आसपास मटर डाली है। इसे भी थोड़ा चलाते हुए भून लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए ढककर धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, 2 से 3 मिनट के बाद हमारी सब्जियाँ बिल्कुल पक चुकी हैं। सब्जियां बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं। बस सब इसको थोड़ा चला लेंगे और अब हम इसमें मसाले डालेंगे। यहाँ पर मैंने आधा छोटा चम्मच हल्दी और आधा ही छोटा चम्मच मिर्च ऐड किया है। आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर और गरम मसाला भी ऐड कर दिया है। अब हम इसे अच्छे से चला लेंगे। सब्जियां और मसाला हमारे अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितनी भी मैगी में आपको थिकनेस चाहिए उसके हिसाब से पानी डालें। पानी में उबाल आ चुका है, अब हम इसमें मैगी ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने मैगी के 2 पाउच लिए हैं, आप अपने हिसाब से क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे सॉफ्ट होने के लिए पकने देंगे। इसमें मैंने सब्जियां भी ऐड की हैं जिसकी वजह से ये हेल्दी और टेस्टी भी होने वाली है। इसमें आप अपने पसंद की कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं। मैगी हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर डाल दूंगी मैगी मसाला। मैंने 2 मैगी ली थी, इसीलिए मैंने दोनों मैगी मसाला डाल दिए हैं। बस अब हम इन्हें अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। अब ज़्यादा नहीं पकाना है हमें इसे। अब यहाँ पर 50 ग्राम के आसपास मैंने चीज़ ऐड कर दिया है। बस इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढककर ऐसे ही छोड़ देंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और चीज़ हमारी मेल्ट हो चुकी है। ये देखिए, हमारी मैगी कितनी चीज़ी दिख रही है। खाने में तो मज़ेदार है ही ये, बच्चों के साथ साथ बड़े भी इसे बड़े चाव से खाएंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर इस चीज़ी मसाला मैगी को ट्राई करें, आपको ज़रूर बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।